जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। आज हम साबूदाना के जैसी ही खिचड़ी और वड़े बनाएंगे, लेकिन हमें साबूदाना का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे हम यहाँ पे चावल ले रहे हैं, 1 कप चावल लिया है, लेकिन मैंने अक्खे चावल जो आते हैं वो नहीं लेने हैं। उसकी जो कड़ी आती है, टुकड़े चावल बोल सकते हैं, कोई जगह पे कड़ी चावल बोलते हैं, हमें उसी का यूज़ करना है। आप कोई भी क्वालिटी के या फिर कोई भी चावल ले सकते हैं, लेकिन टुकड़े वाले लेने हैं। 2 बार उसे अच्छे से धो लेना है। देखिए, मैंने धो लिया है। अभी इसमें हम पानी डाल के 1 घंटे के लिए इसे रख देंगे। यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, चावल भी हमारे अच्छे से कड़ी भीग चुकी है। इसमें से हमें पानी निकाल के चावल को इसमें ले लेना है। ये पानी हमें फेंकना नहीं है, हम इसी पानी का यूज़ करेंगे, लेकिन हम मेजरमेंट के साथ करें तो उसी पानी का यूज़ करना है। लेकिन मैं दिखाती हूँ आपको कितना लेना है पानी। वही पानी हमें, 1 कप हमने चावल लिया हुआ है तो 1 कप पानी, और उसके ऊपर और 1/4 कप, मतलब 1/4 कप टोटल पानी लेना है। आप कोई भी कटोरी अगर ले रहे हैं तो 1 कटोरी और उसके ऊपर 1/4 दूसरा पानी, मतलब टोटल 1/4 कप पानी लेके हमें इसे प्रेशर कुकर में 3 सीटी बजा लेनी है। देखिए, इस तरह से हमारा चावल अच्छे से पक चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से खिले खिले बने हैं। ये मेजरमेंट का बराबर ध्यान रखिएगा, नहीं तो चावल चिपचिपे बन जाएगी और हमारी खिचड़ी भी चिपचिपे बनेगी। तो ये बात का बराबर ध्यान रखें, सारे चावल इस तरह से प्लेट में या फिर थाली में इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए, ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं और एकदम से खिली खिली हमारी खिचड़ी बने। इसे हमें अच्छी तरह से ठंडे होने देना है। जब तक ये ठंडा होता है, हम दूसरी तैयारी करेंगे। यहाँ पे एक कढ़ाई में हम स्लो फ्लेम पे 1/2 कप जितनी मूंगफली को हमें रोस्ट करना है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि हम साबूदाना की जगह पे चावल का क्यों यूज़ करने वाले हैं। साबूदाना काफ़ी जनों को नहीं पता होता है कि वो कसावा नाम के पौधे के रूट से बनता है, और हम जैन रूट्स नहीं खाते हैं, तो इसकी जगह पे ये चावल का सब्स्टिट्यूट बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। और मेरी गारंटी है कि आप यकीन नहीं मानेंगे, ये इतनी बढ़िया खिचड़ी और वड़े बनते हैं कि आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। यहाँ पे उसी कढ़ाई में हम 1.5 चम्मच जितना ले लेंगे ऑयल, इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच डाल देंगे जीरा। जैसे ही थोड़ा सा जीरा फ्राई हो जाएगा, हम उसके अंदर डालेंगे हींग डालेंगे। उसके पहले ये मैं दिखाती हूँ, मैंने कच्चे केले के छिलके को निकाल दिया था और उसका मैंने पीसीस कर लिए बारीक वाले, और पानी में रख दिया है। कच्चे केले को हमेशा कट करने के बाद पानी में ही रखना है, नहीं तो वो काले पड़ जाते हैं। थोड़ी सी हींग डाल देंगे और उसके अंदर हम डालेंगे करी लीव्स और चिली, ग्रीन चिली को मैंने कट करके ले लिया था। थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और जो बनाना मैंने कट किया है, 1 बनाना मैंने कट कर लिया है कच्चे वाला, उसको हमें डाल देना है। थोड़ा सा डाल देंगे नमक। फिलहाल हम सिर्फ इतनी ही सब्जी जितना ही नमक डालेंगे, बाकी का नमक हम बाद में डालेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं। चलिए, 2 मिनट हो चुकी, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। मैं दिखाती हूँ, जस्ट इतना सा हल्का सा एक कट हो रहा है, बस उतना ही हमें करना है। देखिए, हम चम्मच की मदद से इसे चेक करेंगे एक बार, बस कुछ इस तरह का हो जाए तो उसके अंदर मसाले करते करते ये अच्छे से पक जाएगा। अब हम सारे मसाले करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच जितना नींबू का रस, 1/2 चम्मच डालेंगे हम चिली पेस्ट डाल देंगे। तीखा आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। 1 चम्मच मैंने ली है शक्कर, अगर आप शुगर कम पसंद करते हैं तो थोड़ी सी कम भी ले सकते हैं, लेकिन ये वाली खिचड़ी में शुगर अच्छी लगती है। देखिए, मैंने मूंगफली के छिलके निकाल दिए थे, उसको थोड़ा सा मैंने कूट लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं कूटना है, वो मैंने 1/2 इसमें डाल दिया है। और थोड़ी सी डाल देंगे हरा धनिया, अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। सभी चीज़ों को फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। चावल भी हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो चलिए अब हम उसे ले लेते हैं। यहाँ पे हमें चावल को इस तरह हाथ से ही आप डालिए, ताकि थोड़े से भी अगर चिपचिपे हैं तो हम हाथ से उसे अलग कर सकते हैं, ताकि हमारी खिचड़ी एकदम ही खिली खिली सी बने।
यहाँ पे मैंने 1/3 जितना चावल इसमें ले लिया है, 1/4 रखा है हम जिसमें वड़े बनाएंगे उसी चावल का यूज़ करने वाले हैं। चावल के जितना नमक हमें ले लेना है, हमने थोड़ा सब्जी के जितना ही पहले लिया था, तो वो बात का ध्यान रखें। मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से और एकदम बढ़िया ये खिचड़ी बनके तैयार हो रही है। इसे हमें सिर्फ दो इस तरह से मिक्स करके 2 मिनट के लिए ढक देना है ताकि अंदर अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली बनी है, एक एक दाना एकदम से अलग हुआ है। आप देखिए, मैं आपको बाद में नज़दीक से भी दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे ताकि सारे मसाले एकदम से मिक्स हो जाए। देखिए 2 मिनट हो चुकी है और हमारी खिचड़ी भी बहुत ही बढ़िया बनके तैयार है। मेरी कोशिश यही रही है कि मैं एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन इसमें आपको दे सकूं। आप देख सकते हैं बहुत ही खिली खिली सी बनी है। आप इसको कोई भी आपकी पसंद की चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। पहले हम वड़े बना लेंगे, फिर दोनों की प्लेटिंग साथ में करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 कच्चे केले को बॉईल कर लिया था, उसको हमें अच्छे से मैश कर लेना है। बिल्कुल भी टुकड़े नहीं रहने चाहिए, छोटे से भी, नहीं तो हमारे वड़े सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अच्छे से मैश हो चुका है और बाकी जो हमने चावल बचा के रखे थे उसको हमें ले लेना है। यहाँ पे मैंने 1/4 चावल इसके साथ रखा है वड़े के लिए। 1/4 चावल के साथ मैंने 4 कच्चे केले लिए थे, आप वो प्रपोर्शन ध्यान रखिएगा। जो मूंगफली हमने आधी बचा के रखी थी उसको भी ले लेना है। 1 चम्मच जितना लेंगे नींबू का रस। यहाँ पे मैं 1 बड़ी चम्मच ले रही हूँ ग्रीन चिली पेस्ट, कम ज़्यादा आप तीखा ले सकते हैं। 1 चम्मच ले लेंगे नमक। हरा धनिया अगर आप खाते हैं तो लीजिए, नहीं तो उसे स्किप कर सकते हैं। 1/2 कप जितना मैंने हरा धनिया लिया है और जीरा लेके उसे मिक्स कर लेना है। फिलहाल मैं यहाँ पे शुगर पाउडर नहीं डाल रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। अगर आप मीठा पसंद नहीं करते हैं वड़ा, तो यही स्टेज पे मिक्स करके आप वड़े बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं 1 चम्मच जितनी शुगर पाउडर बाद में डालूँगी इसको मिक्स करने के बाद। अब हम डाल देंगे 1 चम्मच जितना शुगर पाउडर। अगर आप नहीं खाते हैं तो उसको यही स्टेज पे आप वड़ा बना लीजिए, शुगर पाउडर को स्किप कर दीजिए। लेकिन इसके साथ हमने नींबू का रस वगैरह सब लिया है, तो थोड़ा सा शुगर पाउडर से इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है, तो अगर आप डालेंगे तो उसका स्वाद अच्छा आएगा। तो चलिए अब हम वड़े बनाइए। यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है, उसको कोट करने के लिए थोड़ा सा हाथ में इस तरह से ऑयल ले लेंगे। आप छोटे बड़े आपके हिसाब से साइज़ बना सकते हैं, मैं मीडियम साइज़ का इस तरह से बना रही हूँ। आप देख सकते हैं इसको हमें चावल के आटे के अंदर कोट कर लेना है कुछ इस तरह से। इसी तरह से हम सारे वड़े तैयार करेंगे। हमारे वड़े तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनके तैयार है। ऑयल भी गरम करने मैंने रख दिया है। यहाँ पे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। पहले एक ही वड़े डालेंगे, एक बार एक डालने के बाद आप देख लीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कि वो फट जाता है, तो उसको पहले एक डाल के आप चेक कर लीजिए। बाद में ही अगर फट रहा है, जनरली फटता नहीं, अगर फटता है तो थोड़ा सा चावल का आटा उसके अंदर मिक्स कर दीजिएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें ब्राउन कलर का हो जाए तब तक हमें फ्राई करना है। इसी तरह से सारे वड़े हम फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया साबूदाना के जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन स्वाद में बहुत ही बेस्ट बनते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में भी बाद में बताइएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, मैं ये आपको इंसिस्ट करती हूँ। तो चलिए वड़े तैयार हो चुके हैं, हम प्लेटिंग करेंगे। सारे वड़े ले लिए हैं और खिचड़ी भी मैंने इस तरह से प्लेट में ले ली है। थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे हरा धनिया, नहीं खाते हैं तो मत डालिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ वो कितना सॉफ्ट बने हैं वड़े, देख सकते हैं आप दोनों साइड से। तो अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही रेसिपी के साथ। जय जिनेंद्र, थैंक यू।